नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं निधि। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर बाड़मेर जिले के गुड्डा मालानी से, जहां पंचायती राज संस्थाओं में पदस्थापित मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी बाजी मांग को लेकर उपखंड अधिकारी एवं कार्यवाह विकास अधिकारी रामाराम तरक को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शासन सचिव के नाम ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि मंत्रालय कर्मचारी संघ गुड्डा मालानी के ब्लॉक अध्यक्ष गिरधारी लाल वर्मा ने बताया कि मंत्रालय कर्मचारियों की सरकार से लंबे समय से गिरे जिले में स्थानांतरण, पंचायत राज संस्थाओं के मंत्रालय संवर्ग का कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू, मनरेगा योजना से प्रतिनियुक्ति समाप्त करने तथा प्रतिनियुक्ति अवधि के प्रतिनिधि भत्ते का भुगतान किया जाए तथा कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जाए एवं ग्राम पंचायत में पद स्थापित कनिष्ठ लिपिकों को पंचायत के लेखों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने के दौरान कोषाध्यक्ष मोहनलाल बिश्नोई, महामंत्री मसराराम देवासी, रमेश कुमार, गायत्री कड़वासर, मोहनलाल मेघवाल, रिडमल राम, कन्वरलाल भादु, विष्णु प्रकाश मेघाराम, राजू सिंह, विक्रम सिंह उपस्थित रहे। गुड्डा मालानी से जोगेंद्र आचार्य की विशेष रिपोर्ट।